विदाउट सींग आँख बंद है उसका और रीड किया वो उन्होंने बताया था ना आपको भी कुछ लिखना है दिखाना है हाँ दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अब कुछ मैम उस तरफ ही ना उस तरफ मैम आप उस तरफ हाँ दें हाँ दें हाँ हाँ बस थैंक यू मैम दिल जलते हैं पंडित जी यहाँ देखिए ये हमारा 10th एस्ट्रो वर्ल्ड हो रहा है एस्ट्रो वर्ल्ड इज ऑल अबाउट इट्स इंडिया इट्स नोन एज इंडियाज बिगेस्ट स्पिरिचुअल होलिस्टिक एंड वेलनेस एग्जीबिशन जो सिर्फ मुंबई में होता है हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे प्लान्स हैं अभी एक्सपैंड करने के दिस इज़ अ 10th सक्सेसफुल एडिशन जहाँ ऑल अक्रॉस फ्रॉम द कंट्री इंडिया के जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स वास्तु कंसल्टेंट टैरो रीडर्स हीलर्स एंजल कार्ड रीडर्स एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट मेटामेडिसिन ये सब लोग पार्टिसिपेट करते इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव थेरेपीज एंड वेलबींग के ऊपर ये शो है हमारा Yes. How did it really start actually or how the journey a little bit very brief actually. It all started up, I did my course on healing and that time I was just thinking of kya karna chahiye. I am an electronic engineer, I've done my electronic and telecommunication engineering. But later on I was too inclined to the subject. I thought, what is it healing all about? एंड तभी मैंने देखा इस तरीके के काफ़ी शोज़ एग्जिबिशंस होते हैं इंडिया में लेकिन ये पर्टिकुलर मोडालिटी पे या स्पिरिचुअल हॉलिस्टिक साइंसेज वेलबींग पे कोई अच्छे शोज़ नहीं हो रहे थे सो दैट एक्चुअली यू नो क्लिक में कि यहाँ ज़रूर ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हमें करना चाहिए एंड इट इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग पीपल यू नो इट ऑल अबाउट हेल्पिंग पीपल इट्स ऑल अबाउट टू डू विद द एनर्जी लेवल्स यू नो लोगों का माइंडसेट कैसे हम बिना पिल्स के लोगों के माइंडसेट हम एक छोटी सी सोच को चेंज करने की वजह से हमारी लाइफ जानने लगे अभी बहुत साइंटिफिकली वे में भी होता है जी व्हाट आई वांट टू से अबाउट दिस पहले कितने यहां पर आपके एग्जीबिटर्स थे पार्टिसिपेंट्स थे और अभी आज 10वें साल पे हाउ डू यू सी दैट वी स्टार्टेड अप इन द फर्स्ट ईयर वी स्टार्टेड अप विद 40 एग्जीबिटर्स अप्रोक्सीमेटली 40 एग्जीबिटर्स एंड वी डिड एट बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर नेस्को में हमारा हुआ था विद यूनिवर्सल सपोर्ट हमें काफ़ी अच्छा वहाँ भी हमें काफ़ी अच्छा फुटफॉल मिला वी प्रमोटेड द इवेंट वेरी वेल
एंड हमें अनएक्सपेक्टेड उस टाइम हमें पता नहीं था कि हम ये इवेंट कर रहे हैं, तभी एक डर था कि आई डोंट नो वेदर पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो फर्स्ट इवेंट हमारा जब हुआ, इट वॉज अ बूमिंग इवेंट वेर एन ऑलमोस्ट वी हैड गॉट अ फुटफॉल ऑफ मोर देन 4,500 पीपल विजिटिंग इन टू डेज. सो पीपल वर इवन सेइंग बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर जैसी जगह पे जहाँ इतने सारे इवेंट्स होते हैं, the hall beside me, they come, the organizer came to us asking, madam yahan kuch magnet laga hai kya ki puri crowd idhar hi jama ho rahi hai. It is a type of, that was the, you know, type of punch which I get, that really now this is a need of the time and people need this. How do you see this thing really doesn't really work? आई कैन से अभी जो हमारी जर्नी रही है एस्ट्रो वर्ल्ड में, इतने सालों से हम कर रहे हैं, आई कुड से पीपल आर 110% सेटिस्फाइड. इसलिए हम देखते हैं रिपीटेड विजिटर्स हमारे यहाँ आते हैं, रिपीटेड विजिटर्स आते हैं, द विजिटर्स हैव बिकम एज अ फैमिली एवरी टाइम. द विजिटर लेवल इज ग्रो नाउ, वी स्टार्टेड अप विद 4,000 विजिटर्स एंड एट द टाइम ऑफ 10th एडिशन वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 12,000 विजिटर्स दिस टाइम. आर 9th एडिशन वॉज, वी हैड ऑलमोस्ट अ फुटफॉल ऑफ 10,500 विजिटर्स इन टू डेज एट द 9th एस्ट्रो वर्ल्ड एडिशन. And so it's growing day by day. Yeah, coming about the topic that ye scientific, yeah, of course, astrology aur baki ke holistic sciences, hum yahan astrology itself, it's a scientific subject. Agar hum properly, agar isko study kare, yahan relate karte hain, either it's astrology, vastu, feng shui, ya koi bhi modalities yahan jo ho rahi hain, healing modalities yahan practice ho rahi hain, it's all based on science and energy. So it everything here which is promoted here, it's all about energy and it's promoted in a very scientific manner. And there's the only reason jo people jo hai practically relate kar pa rahe hain to the subject. Kahan kahan se log aaye, matlab yahan par kitne bhi exhibitors hain ji, kahan kahan se aaye? Yahan jo exhibitors hain, they are from all across the country. We have got exhibitors from Mumbai se to hai hi hai hamare, but apart from that Gujarat, बैंगलोर, चेन्नई, हिमाचल प्रदेश, झारखंड से हैं, गुजरात से हैं, देन खंबाट से काफ़ी हैं हमारे लोग. तो देर आर पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री. एंड अपार्ट फ्रॉम एग्जिबिटर्स, यू विल नॉट बिलीव, वी हैव विजिटर्स कमिंग इन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, यू नो, पीपल इन ग्रुप्स लाइक 10 पीपल कमिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. देन वी इवन हैव राइट नाउ पीपल कमिंग इन फ्रॉम बैंगलोर, अ ग्रुप ऑफ 5-10 पीपल हु आर विजिटिंग हियर ओनली टू सी दिस एग्जिबिशन, बिकॉज ये इंडिया में और कहीं नहीं होता है, सिर्फ बॉम्बे में हम ऑर्गेनाइज करते हैं और इतने बड़े लेवल पे. सो इट्स नॉट अबाउट द एग्जिबिटर्स हु कम अक्रॉस फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, बट इवन विजिटर्स कम टू विजिट द शो, बिकॉज यहाँ इतनी सारी मोडैलिटी, देर आर मोर देन 80-90 मोडैलिटीज विच दे गेट इन वन सिंगल रूफ में उनको सबको समझने का, सोचने का, पूछने का, काउंसलिंग करने का मौका मिलता है उनको. जी जी येस ऑफ कोर्स, यू ऑल मस्ट बी नोइंग बॉलीवुड इंडस्ट्री, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन दीज टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स. एंड वी इवन हियर देर आर मेनी एक्सपर्ट्स, वी कैन नॉट रिवील द नेम, बट दे डू समवेयर, दे आर कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री एंड दे आर डूइंग वर्क फॉर देम, दे आर वर्किंग फॉर देम, गाइडिंग देम थ्रू. सो आपने खुद ही देखा हो जगह बच्चन जी, एकता मैडम, एकता देखता कपूर जी, तो ये सब कहीं ना कहीं दे हैवली, यू नो, टेक गाइडेंस फॉर ईच एंड एवरी थिंग दे डू. दे आर न्यू वेंचर्स से लेके अपना नाम, सीरियल का नाम डिसाइड करना भी दे कंसल्ट देयर पीपल. सो इट डेफिनेटली वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स. आज इसलिए तो हम इतने सालों से जो करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को गाइड करते आ रहे हैं, इट इज़ वर्किंग, दैट्स द ओनली रीजन वी हैव गॉट विजिटर्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर. जी जी यस, इट्स ऑल अबाउट, एज आई सेड, एस्ट्रो वर्ल्ड इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल, होलिस्टिक एंड वेल बीइंग. सो यहाँ भी हमने सिर्फ हमारे ये जो कम्युनिटी हमने एक बनाई है,
इसको हमने इंस्पायर स्पिरिचुअल होलिस्टिक एंड वेलनेस विजनरी अवार्ड्स हम पिछले 4 सालों से कर रहे हैं एंड दिस वुड बी आवर 5th ईयर जहां हम यही इंडस्ट्री से रिलेटेड स्पिरिचुअल होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड थेरेपिस्ट जो वेलनेस एक्सपर्ट्स जो आते हैं इनको हम फेलिसिटेट करते हैं. अवार्ड्स बहुत होते हैं लेकिन हमारी ये कम्युनिटी जो आज हमारी विजिटर्स हमारे जो इतने लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आ रही है उनको गाइड कर रही है देर शुड बी सम एंटिटी सपोर्टिंग देम एंड यू नो गिविंग देम एम्पावरिंग देम सो वी आर डूइंग दैट थ्रू आर इंस्पायर अवार्ड्स. जी एस्ट्रो एंड वेलनेस टॉक्स ये हमारा इस साल हमने नया वेंचर ये इट्स अ वेंचर ऑफ एस्ट्रो वर्ल्ड एग्जीबिशन इटसेल्फ. अपार्ट जैसे हमने बताया कि हम एस्ट्रो वर्ल्ड इज अ मोटिव बिहाइंड एस्ट्रो वर्ल्ड इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द आर कम्युनिटी एंड द मासेस. ठीक है, लोगों की जब तक अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सो मैंने हमने बताया हम अवेयरनेस पहले देते हैं. तो वी स्टार्टेड अप एवरी इवेंट वी कीप कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी वेरन हमारे स्पीकर्स एक्सपर्ट्स दे टॉक ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स अबाउट द एनर्जी फील्ड अबाउट एस्ट्रोलॉजी अबाउट मंगल दोष अबाउट वास्तु फंग शुई वेलनेस थिंग्स यू नो अबाउट द लाइफ चेंज जो भी हैबिट्स होती हैं तो उसके बारे में बात करते हैं. सो वी गाइड देम एंड इस ये जो एस्ट्रो एंड वेलनेस टॉक दिस ईयर वी सी इट्स ग्रोइंग डे बाय डे ईयर बाय ईयर एंड अभी भी आप देखेंगे कॉन्फ्रेंस रूम में टॉक्स चल रहे हैं. दीज आर ऑल फ्री टॉक्स फॉर पब्लिक अवेयरनेस. सो दिस टाइम वी हैड क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर अ स्पीकर्स वेर हमारी पब्लिक भी जहाँ जाना चाहे दे कैन क्लिक ऑन एस्ट्रो एंड वेलनेस टॉक ऑन यूट्यूब एंड दे कैन सब्सक्राइब एंड यू नो दे गेट द फ्री सर्विस ऑल थ्रू आउट द ईयर. Are you giving any education or about this astrology, if you can share? Yes, we are basically all our exhibitors. We insist them to take workshops as well, take up courses, you know, because there are many people who come here, they want to learn the concepts, they want to know what is astrology, what is the healing all about, ye subject, energy healing kya hoti hai, astro, vastu, ye subject, how it works. So there are many people who come and ask us, they have 10 different questions and they want to learn these things. So we ask our exhibitors to, you know, promote their courses also, because so it can help the masses. हमारे एम्पावरमेंट लेडीज हु आर सिटिंग एट होम वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके के वास्तु छोटे मोटे बदल करने से अगर उनकी लाइफ में खुद ही चेंजेस आ सके तो वी एम्पावर देम टू डू दैट. एट द सेम टाइम दे कैन हेल्प अदर्स इट्स अ चेन प्रोसेस वो इफ दे हेल्प देमसेल्फ दे विल डेफिनेटली बी एबल टू हेल्प अदर्स सो इट्स दैट सो वी डू दैट. Yes, we have got many opportunities now coming up past 2 years, but we were waiting for the 10th edition of Mumbai to happen, and now we are definitely moving across other cities. We have got opportunities from Delhi, Bangalore. We have got opportunities from Singapore, US, to be taken. So we are working on, and in 2019 probably Astro World is going to flourish in other cities also. मैसेज सिर्फ यही है सर कि आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू कम एंड एक्सपीरियंस वन बिलीव सिस्टम हम चेंज नहीं कर सकते इट्स वी कैन ओनली कम आस्क यू टू कम एंड एक्सपीरियंस आर हीलर्स टू टेक गाइडेंस फ्रॉम देम. वी हैव गॉट फ्री गाइडेंस इफ वी आर एबल द मोटिव यही है कि हमारे एस्ट्रो वर्ल्ड में अगर इतने सारे लोग आ रहे हैं आज हमारे यहाँ 2 दिन में 3 दिन में 10 से 12 हज़ार क्राउड विजिट कर रहा है. अगर हम किसी की ज़िंदगी में 1% आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 1% भी बदलाव ला सकें हमारे ज़रिए तो हमारा ये मोटिव और एस्ट्रो वर्ल्ड करने का मोटिव सफल हो जाएगा. सो वी वॉन्ट पीपल टू कम एंड एक्सपीरियंस देम यू नो टू उसके ऊपर यकीन करने के लिए आप एक्सपीरियंस कीजिए एक बार विजिट ज़रूर कीजिए. Thank you so much.